विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के वीडियोस को सिर्फ रिफरेंस पर्पस के लिए ही यूज करें। इसके पूर्व के वीडियो में हमने हाइड्रोलिक सर्किट डिजाइन अप्रोचेस में किस तरह से सर्किट के हाइड्रोलिक सर्किट के डिजाइन में किस चीज़ का कितना वजूद होता है, उसका कितना इम्पोर्टेंस होता है, उसका वैल्यूएशन या उसकी कैपेसिटी या साइज कैसे वैल्यूएट करते हैं, इसके पूर्व के वीडियो हमने बताया, जिसमें जॉब का स्पेसिफिकेशन क्या होता है, कैसे होता है, उसके आधार पर सिलेंडर का क्या साइज जरूरत पड़ेगा, उसके सिलेंडर के साइज के लिए क्या रीजनिंग आपने यूज करना है, फिर जो हाइड्रोलिक पंप होता है वह किस कैपेसिटी का होना चाहिए, उस पंप को चलाने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर किस कैपेसिटी का होना चाहिए और उस हाइड्रोलिक पंप में हाइड्रोलिक फ्लो जो होता है उस हाइड्रोलिक ऑयल को जिस कंटेनर में कंटेन करते हैं, रिजर्वायर में उसको रखते हैं, उसकी क्षमता कितनी होनी चाहिए। अब इसी कड़ी में हम आगे वाल का सिलेक्शन जो हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए बहुत ही आवश्यक चीज है, जिस तरह से पंप जरूरी है, सिलेंडर जरूरी है या मोटर जरूरी है, उसी तरह से वाल भी जरूरी है। इस वाल का सिलेक्शन कैसे करते हैं उस पर हम मोटी मोटा आपको एक जानकारी देते हैं। उसके बाद जब हम सर्किट डायग्राम को बनाना चालू करेंगे तो हम एक एक प्रॉब्लम लेंगे और उसमें जॉब का, इस जॉब के लिए इस साइज सिलेंडर लगेगा, इस सिलेंडर के लिए ये पंप लगेगा, इस पंप के लिए मोटर लगेगा, इस मोटर के लिए रिजर्वायर लगेगा, इस रिजर्वायर के लिए यह वाल लगेगा, इस वाल को कनेक्ट करने के लिए, सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए होस पाइप क्या लगेगा, उस पर हम एक एक करके बारीकी से बात करेंगे। आइए अब वाल सिलेक्शन के ऊपर हम यहां आगे बात करते हैं। द क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग ए सुटेबल हाइड्रोलिक वाल, एक हाइड्रोलिक सुटेबल हाइड्रोलिक वाल किस क्राइटेरिया से हम सेलेक्ट करते हैं, या देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि हाइड्रोलिक वाल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, किसके लिए, फ्लूड को जो सर्किट में जो फ्लो करने के लिए, उसको कंट्रोल किससे करेंगे, हम हाइड्रोलिक वाल से करेंगे, ठीक है। तो उस सर्किट के लिए कितना ऑयल का फ्लो चाहिए, पंप जितना दे रहा है उतना ही मोटर को चाहिए क्या या सिलेंडर को चाहिए क्या, उसको कंट्रोल करने के लिए और उस अपना जो रिक्वायर्ड वर्किंग है उसके लिए हमको उस हाइड्रोलिक फ्लो को कंट्रोल करने के लिए या उसको चलाने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए हमको हाइड्रोलिक वाल चाहिए। अब क्या है मीडिया कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है भाई, हाइड्रोलिक रिजर्वायर से पंप के थ्रू जो लिक्विड फ्लो होगा, हाइड्रोलिक फ्लो होगा, उसका क्या रोल है, उस हाइड्रोलिक वाल में जो हमारा ऑयल जा रहा है उसकी विस्कोसिटी कैसी है, उसका उस वाल के साथ इंटरनल रिएक्शंस क्या हो सकते हैं और उसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स मिलाना चाहिए जिससे वो हाइड्रोलिक ऑयल हमारे इक्विपमेंट को या हमारे उस मोटर या सिलेंडर को अच्छे से ऑपरेट कर सके, उसके लिए जो लिक्विड का, हाइड्रोलिक फ्लूइड का है, उसका करेक्टर्स डिसाइड करते हैं। ये देखिए ये वाल है, डिफरेंट टाइप के वाल्स होते हैं, इनके अंदर ये हाइड्रोलिक फ्लूड फ्लो होता है, उसको इस वाल के द्वारा कंट्रोल करते हैं, लेकिन जब वाल के अंदर जाता है तो उसका जो मीडिया मतलब हाइड्रोलिक है वो किस तरह का होना चाहिए, कहीं वाल खराब ना कर दे, कहीं वाल
को ऑपरेटिंग में कहीं कोई दिक्कत ना आए, यह भी ध्यान देना है। ऑपरेटिंग कंडीशन, देखिए जो ऑयल रहेगा, जो अंदर ऑयल जाएगा, उसका कितना प्रेशर होना चाहिए और उस का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो गया या प्रेशर हो गया तो हो सकता है कि हमारा वाल्व ऑपरेट ना हो या खराब हो जाए या बस्ट हो जाए या कुछ भी नुकसान हो सकता है। इसीलिए वाल्व का जो फ्लो को देखते हुए, प्रेशर को देखते हुए, टेम्परेचर को देखते हुए उसका ऑपरेटिंग कंडीशन, देखिए वो स्टील का बनाए या प्लास्टिक का बनाए या फाइबर का बनाए हम, वह कितने प्रेशर के लिए काम करेगा या कितने टेम्परेचर के लिए काम करेगा, यह ऑपरेटिंग कंडीशंस के हिसाब से ही हम वो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व या वाल्व को हम बनाते हैं। साइज, हमारा जो ऑपरेटिंग का सिस्टम है, ठीक, उस सिस्टम के लिए कितना बड़ा डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व चाहिए, पहला चीज। जिस सिस्टम पर, रिजर्वायर पर या जहां माउंट कर रहे हैं उसको, वहां साइज अवेलेबल है या नहीं है, उसका कंडीशन कैसा होना चाहिए, हमको वर्टिकली लगाना है या हॉरिजॉन्टली लगाना है या कैसे लगाना है, जिससे वह कम से कम जगह पर अच्छा से अच्छा हमें आउटपुट दे सके। और हम नॉर्मली जो साइज का रहता है 60-80% जो रिक्वायर्ड है, जो हमारा फ्लो रेट है उसके हिसाब से रहता है। वॉल्व फंक्शन, देखिए वॉल्व, यहां दे दीजिए, ये वॉल्व का जो फंक्शन है, ये टू वे पोजीशन है, थ्री वे पोजीशन है, फोर वे पोजीशन है, ये सब चीजें हमको किस तरह का हमारा सिस्टम है उसमें टू वे पोजीशन, टू वे डायरेक्शन से या टू वे पोजीशन से हमारा काम चल जाएगा क्या, हाँ, क्या थ्री वे से हम करना पड़ेगा या फोर वे से करना, क्या लगेगा, क्या हमारी पोजीशन की जरूरत है, हमारा फंक्शन क्या है, उस सब को कंसीडर करके ही हम वाल्व का जो डिज़ाइन है हम तय करते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट टू वाल्व टू वे कैसे है होगी तो हम टू वे करेंगे। अगर लग रहा है हमारे ऑपरेटिंग के कंडीशन में या सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए हमको थ्री वे चाहिए, थ्री वे करेंगे या फोर वे चाहिए तो फोर करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम कैसा है और हमें आउटपुट कैसा चाहिए, इन दोनों चीज़ों को मिला करके उसको देख करके ही हम इस पर डिसाइड करते हैं। वाल्व ऑपरेशन, जो कंट्रोल वाल्व होते हैं वह मैनुअली भी ऑपरेटेड होते हैं, पायलट ऑपरेटेड भी होते हैं, ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड। ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, सिंगल वाल्व रहते हैं और जिसमें एक सोलेनोइड लगा करके हम इलेक्ट्रिकल के थ्रू ऑपरेट करते हैं। मैनुअल ऑपरेट करते हैं, हाथ से उसको इस डायरेक्शन में या उस डायरेक्शन में करते हैं। अगर बहुत बड़ा वाल है तो ऑटोमेटिकली ही ऑपरेट होगा, लेकिन उसके लिए पायलट वाल लगाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़े वाल को ऑपरेट करने के लिए हम छोटे वाल के थ्रू और ज़्यादा ऑयल हम बड़े वाल में डालते हैं और उसके थ्रू हम वहाँ पहुँचाते हैं। ये वाल के ऑपरेशंस हैं। यहाँ पर अब हम कुछ हाइड्रोलिक जो वाल्व्स हैं उसके बारे में बताते हैं कि नॉर्मली हम यही तीन चार वाल्व जो हैं यूज़ करते हैं, लेकिन साथ में ही हमारी अगर ज़रूरत है या जैसी रहती है उसके हिसाब से हम वाल्व डिसाइड करते हैं, जैसे हमने बोला है। आइए हम कुछ वाल्व जो सिस्टम में ज़रूरी हैं लगाते हैं, उस पर अब बात करते हैं। हाइड्रोलिक रिलीफ वाल्व, ये देखिए हाइड्रोलिक रिलीफ वाल्व, इसके नाम से ही काफ़ी है कि जब भी हमारे सिस्टम में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है और अगर उस प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर पाए हम, तो हमारा सिस्टम डैमेज हो सकता है। इसलिए हम एक रिलीफ वाल्व लगा देते हैं लाइन में, जो एक्सेस प्रेशर को रिलीज कर देता है और वह वाल्व
जो एक्सेस जो प्रेशर है उसको रिलीज करने से जो हाइड्रोलिक ऑयल आता है वो टैंक में वापस आ जाता है। नॉर्मली हाइड्रोलिक रिलीफ वाल्व जो है हम डेढ़ गुना 1.5 टाइम्स जो होता है उसके पंप के कैपेसिटी से रखते हैं। अगर 1.5 टाइम से ज़्यादा अगर वो प्रेशर डेवलप कर रहा है सिस्टम, तो हम कोशिश करते हैं कि ये रिलीफ वाल्व ऑपरेट हो जाए और वहाँ का ऑयल जो है टैंक में वापस आ जाए। ये देखिए इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है जो हाइड्रोलिक रिलीफ वाल्व का, ये इसके सिंबल है। और इसको अगर हम पिक्चराइजेशन वाले व्यू में देखेंगे में तो ये इस तरह का दिखता है। डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनी फ्लूइड पावर सिस्टम इन दैट डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। देखिए डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। यही तय करता है कि इस सिस्टम का मतलब कितना लोड उठाएंगे, कहाँ तक उठाएंगे और इसके लिफ्टिंग के कंडीशंस कितनी होनी चाहिए, तो ये उसका दिशा तय करता है। सिस्टम की दिशा इसी से तय होती है। और जैसे रिलीफ वाल्व है तो वो क्या करेगा, हाई प्रेशर हो रहा है तो उसको रिलीज करने के लिए काम रिलीफ वाल्व। लेकिन डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व डीसीबी ये पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता है, उसकी दिशा उसके लोड के हिसाब से उसकी ज़रूरत के हिसाब से क्या क्या ऑयल कितना चाहिए कब चाहिए ये सब डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के थ्रू तय होता है। ये देखिए ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का ये सर्किट है, सर्किट डायग्राम है, ठीक। ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है और ये उसके डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के इनसाइड में किस तरह का ये रहता है कंस्ट्रक्शन वो है, ये इसका सिंबल है, ये पिक्चरियल व्यू है। चेक वाल्व, ये देखिए अभी जो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व में हम बात कर रहे थे कि डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व जो होता है वो तय करता है कि सिस्टम को जितना लोड चाहिए जितना प्रेशर चाहिए कब चाहिए वो तय उसके थ्रू करते हैं, ठीक है। पर चेक वाल्व जो होता है ये एक तरह से अपना रिलीफ वाल्व जो होता है उससे थोड़ा सा हटके होता है। ये एक फिक्स पोजीशन रहता है जिसमें हम चेक वाल्व से एक प्रेशर डिसाइड कर देते हैं कि भैया इतना ही आप चलते रहना है, ठीक, और वो उसी पर कंटिन्यूस चलते रहता है। साथ में ही अगर सिस्टम फेलियर हो जाता है उस समय ये एनआरवी का काम करता है, नॉन रिटर्न वाल्व का काम करता है, ठीक। तो यह सिस्टम के लिए बहुत हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए बहुत ही जरूरी है। इसमें जो ऑयल का फ्लो सिर्फ एक डायरेक्शन में ही होता है, इसलिए चेक वाल्व इतना इसलिए ज़रूरी है कि अगर सिस्टम फेल हो गया तो हमारा जो हाइड्रोलिक सिस्टम जितना लोड उठा के रखा है वो उसी पर रुका रहे, ठीक। इस तरह से हम कुछ वाल्व के बारे में बात किए। जब हम कंप्लीट सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो वहाँ पर कहाँ पर चेक वाल्व लगाना है, कहाँ रिलीफ वाल्व लगाना है, कहाँ डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व लगाना है, कहाँ पर मैनुअल ऑपरेटेड वाल लगाना है, कहाँ ऑटोमेटिक वाल लगाना है, ये हम उस क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड करेंगे और आगे बताते चलेंगे। काउंटर बैलेंस वाल, ये देखिए क्या होता है, जब हैवी लोड हमारा लगा रहता है और उसमें लोड की वजह से देखिए चेक वाल्व क्या फेल्यूर की कंडीशन में काम करता है, बट काउंटर बैलेंस जो वाल्व है ये उस लोड को सस्टेन करने के लिए, उस लोड को रोके रखने के लिए बेसिकली इसका यूज करते हैं हम, कि
उस पर वर्क हमने जैसे लोड उठा लिया, लोड उठा के उसी पोजीशन में बहुत देर तक के अगर होल्ड करना है तो हम वहां काउंटर बैलेंस वाल का काम करते हैं। ठीक, और इन सब का यूज कहां पर है, कैसे है, हम आपको बताएंगे। ये कंट्रोल वाल का ये आपको इंटरनल पिक्चरियल व्यू बनाया है, ये इसके सिंबल है, एक पिक्चरियल वाल इसका सॉल्यूट में रहता है कि ये ऐसा दिखता है। ठीक, और बेसिकली चाहे काउंटर बैलेंस वाल हो या चेक वाल हो या रिलीफ वाल हो या डायरेक्शन कंट्रोल, ये सभी वाल हाइड्रोलिक फ्लो को कंट्रोल करते हैं। इनके अलग अलग जगहों पर अलग अलग महत्व है। जैसे चेक वाल सप्लाई चले जाने के बाद भी उस लोड को वहीं होल्ड कर देता है, रिलीफ वाल ज़्यादा प्रेशर डेवलप होता है तो उससे सिस्टम को बचा जाता है, काउंटर बैलेंस वाल जब हैवी लोड उठा करके उसको लोड को मेंटेन करने के लिए काम आता है, डायरेक्शन कंट्रोल वाल हमारा ऑपरेशन कैसा है उसके हिसाब से काम करता है। इसी तरह से और भी वाल्व हैं, हम उन पर बात करेंगे, लेकिन उस पर्टिकुलर जॉब को या जो काम है स्पेसिफिक जॉब को करने के लिए क्या सिस्टम में जरूरत है उसके हिसाब से उस वाल्व का यूज करेंगे और वहां भी हम उसके फंक्शन के बारे में बताएंगे। ओके, थैंक यू।